वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी कोटी कॉलोनी में और मेरे ठीक पीछे है टीरी लेक। तो हम लोग जा रहे हैं टीरी लेक में वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। तो गाइज ये है कोटी कॉलोनी की मेन मार्केट और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होता है। देन ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर वाला रूट लेते हैं एंड वहाँ से आप स्ट्रेट टीरी डैम की तरफ आते हैं। टीरी डैम से ठीक पहले ही ये जगह पड़ती है कोटी एंड यहीं से आपको अप टर्न लेना है टीरी लेक के लिए जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। मेन मार्केट को क्रॉस करते ही देन एक आपको यहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा, यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप भागीरथीपुरम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों कार और बाइक पार्किंग, लेकिन अभी वाटर लेवल काफ़ी कम दिख रहा है तो अगर हम अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क करते हैं तो यहाँ से हमको पैदल जाना होगा नीचे तक, तो इसलिए इस टाइम पर हम लोग बाइक को अपनी नीचे ही लेके जा रहे हैं। अगर आप अपनी कार से भी आते हैं तो आप इस टाइम पर प्रॉपर नीचे तक अपनी कार को लेके जा सकते हैं जहाँ से आपको बोट टिकट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में हैं और आप यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं वाटर स्पोर्ट्स तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज ये जगह उत्तराखंड की सबसे बेस्ट है अगर आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं। तो अभी मैं हूँ कोटी कॉलोनी में, बेसिकली ये जगह टिहरी गढ़वाल में है। तो गाइज ये है टिहरी लेक और आजकल पानी काफ़ी कम है यहाँ पर, वाटर लेवल काफ़ी नीचे हो रखा है। और वो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सामने, वहाँ से वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट होते हैं सारे। अगर आपको बोटिंग करनी है या और अलग अलग तरह के आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो वो नीचे सामने आप देख रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मंदी भाई बहुत एक्साइटेड है, मंदी भाई कह रहा है कि इसने फर्स्ट टाइम, मंदी भाई ने अभी तक टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा नहीं लिया है। मैं पहले ही कर चुका हूँ बट मंदी भाई का फर्स्ट टाइम है। हमारे साथ विजय नहीं है आज, अदरवाइज विजय का सबसे पहला क्या था, स्विमिंग करनी है मुझे टिहरी लेक में। तो यहाँ पर आपको पार्किंग की स्लिप मिलेगी। नॉर्मल टाइम पे वो पार्किंग जो पीछे हमको मिली थी वहाँ पर पार्किंग स्लिप मिलता था, लेकिन इस टाइम पर अभी नीचे पार्किंग है तो पार्किंग स्लिप यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका कार बाइक दोनों चीज़ आप बिल्कुल नीचे तक लेके जा सकते हैं। बाइक या कार जहाँ पार्क करते हैं बिल्कुल वहीं पर ही बोर्ड लगा हुआ है, बोटिंग शुल्क संबंधित जानकारियाँ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेंशन है सारे चार्जेस जो भी हैं बोट के। मोटर बोट हाफ एन आवर का 300 पर पर्सन एंड स्पीड बोट 15 मिनट 500। तो यहाँ पर देखिए सारे रेट यहाँ मेंशन है। ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं टिकट्स लेने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों को मोटर बोट में जाना है और उसके लिए टोटल यहाँ पर 8 सीटर मोटर बोट है, तो जब तक टोटल 8 लोग पूरे नहीं होते तब तक मोटर बोट नहीं चलती है। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और हम लोग वेट कर रहे हैं टोटल
आठ लोगों के होने का, जैसे ही आठ लोग पूरे हो जाएंगे देन मोटर बोट आपको राइड पे लेके जाएगी और बाकी जो राइड्स हैं हम लोग मोटर बोट के बाद लेने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली आठ लोग पूरे हो चुके हैं और हम लोगों को टिकट अपने मिल चुके हैं। पेन पहले तू पेन पकड़ ले भैया, सब कुछ सामान का रखना है। सामान का रखना है। अच्छा लग रहा है, पेन तू रेड पेन। मंदी भाई पैक हो गया, देखो पूरा मंदी भाई बिना लाइफ जैकेट के यार। जरूरत नहीं है, एयर पे निकल जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं। हाँ कोई गया होगा। बोले ये गोताखोरी गोताखोर बनेगा। फाइनली जिस बोट में हम लोगों ने जाना है वो बोट वाले भैया आ गए हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार टिहरी लेक में ज़रूर आप विज़िट कीजिए, आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए ताकि आपको जो हमारा आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।